नमस्ते नमस्कार, हमारे सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आप धान में लास्ट यूरिया का प्रयोग कब और कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, ताकि आपकी जो फसल है वह बालियां सेहतमंद और अच्छी फुटाव हो। तो अभी स्टेप बाय स्टेप पूरे सवालों के जवाब इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो किसान भाइयों, पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप सबसे पहले वीडियो पा सकें। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि धान में जब बालियां निकलने का समय होता है तब आप लास्ट यूरिया का प्रयोग करें, और इसका प्रयोग की बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी मात्रा। धान की जो बालियां निकलने से आप पहले उसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, और धान की यदि बालियां निकल गई हैं तब आप प्रयोग ना करें, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ आप 20 से 25 किलोग्राम पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रत्येक एकड़ में। तो किसान भाइयों, यह थी मुख्य जानकारी। और देख सकते हैं इस धान में अधिकतर बालियां निकल चुकी हैं, या हमारे एरिया में इस समय धान का फुटाव हो रहा है, नई वैरायटी जो आई थी उसका। और देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छा धान ग्रोथ किया है, मैंने भी अपने खेत में भी प्रयोग किया है। तो आप लास्ट यूरिया का प्रयोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर इसको आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको इसी प्रकार की वीडियो देते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाई।